प्यारे बच्चों, आज महासागरीय लवणता के बारे में चर्चा करेंगे। महासागरीय जल के भार व उसमें घुले हुए पदार्थ के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहा जाता है। 1 किलोग्राम सागरीय जल में घुले हुए ठोस पदार्थों की कुल मात्रा को लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे 30 ग्राम, अर्थात 1000 ग्राम सागरीय जल में 30 ग्राम लवण की मात्रा है। इसे प्रतिशत नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह मात्रा होती है। महासागरों में लवणता का प्रभाव न केवल उसमें रहने वाले जीवों और वनस्पतियों पर ही होता है, बल्कि महासागरों की भौतिक विशेषताओं, तापक्रम, घनत्व, धाराएं, दबाव आदि भी उससे प्रभावित होती हैं। सागर का हिमांक लवणता पर आधारित होता है, अर्थात अधिक लवण युक्त सागर देर से जमता है। इसी तरह सागर का क्वथनांक या उबाल बिंदु सामान्य जल से ऊंचा रहता है। वाष्पीकरण की मात्रा सागरीय लवणता से नियंत्रित होती है। लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है। सागरीय लवणता के कारण जल का घनत्व तो भी बढ़ता है। इसी तरह सागर में लहरें व धाराएं, मछली, सागरीय जीव, प्लैंकटन आदि लवणता से नियंत्रित होते हैं। सागरीय जल का संगठन, यानी कि कौन कौन से पदार्थ हैं जो सागरीय जल की लवणता में मिलते हैं या उनके प्रतिशत पाया जाता है। सागरीय जल एक सक्रिय घोलक होता है, जिस कारण उसमें कई प्रकार के खनिज घुली अवस्था में मिलते हैं। चूंकि प्रतिवर्ष सागरों में लवण लाया जाता है, अतः उसकी कुल मात्रा में निरंतर वृद्धि हो रही है। कई लोगों ने सागर स्थित कुल लवण की मात्रा ज्ञात करने का प्रयास किया है। जोली के अनुसार यह मात्रा 50 अरब टन, मरे के अनुसार 5 अरब टन, क्लार्क के अनुसार 2.7 अरब टन। जोली के अनुसार यदि समस्त सागरीय लवण को निकालकर ग्लोब पर फैला दिया जाए तो उसकी मोटाई 150 फीट हो जाएगी, और यदि उसे केवल धरातल पर बिछाया जाए तो 500 फीट मोटी एक परत जम जाएगी। यदि सागर में सभी लवण हटा दिए जाएं तो सागरीय तल में 100 फीट की गिरावट आ जाएगी। 1884 में चैलेंजर अवशेषण यानी कि खोज के समय डिटमार ने सागरों में 47 प्रकार के लवणों का पता लगाया, जिनमें से 7 प्रकार के लवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। विभिन्न सागरों में लवण की मात्रा 33 ग्राम से 37 ग्राम के बीच में रहती है। यहाँ लवण के प्रकार, कुल मात्रा और प्रतिशत। सोडियम क्लोराइड मात्रा है 27.213 ग्राम, प्रतिशत है 77.8%। मैग्नीशियम क्लोराइड 3.807 ग्राम, प्रतिशत है 10.9%। मैग्नीशियम सल्फेट 1.658, प्रतिशत है 4.7%। कैल्शियम सल्फेट 1.268 ग्राम, प्रतिशत है 3.6। पोटेशियम सल्फेट 0.863 ग्राम, प्रतिशत में है 2.5। कैल्शियम कार्बोनेट 0.123, प्रतिशत में 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइट 0.076, प्रतिशत में 0.2%। इसी प्रकार अपन ज्ञान ज्ञात सकते हैं कि मात्रा का 35 ग्राम और प्रतिशत 100% की मानते हैं। सागरीय लवण की उत्पत्ति। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है। प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तथा प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ, उस समय पपड़ी में लवण की मात्रा अधिक थी। पपड़ी के विघटन तथा वियोजन के कारण अपरदन के कारकों द्वारा लवण सागर में पहुंचाए जाने लगे, जिस कारण सागर की लवण मात्रा में वृद्धि होने लगी। नदियां सागर तक लवण पहुंचाने वाले कारकों में सर्वप्रमुख हैं। इसके अलावा पवन द्वारा भी नमक का स्थल से सागर में स्थानांतरण होता रहता है। वर्तमान समय में भी नदियां सागर में लवण का निक्षेप करती हैं, परंतु यदि सागरीय लवण तथा नदियों के लवण में संगठन पर दृष्टिपात की जाए तो
दोनों में अत्यधिक विभिन्नता पाई जाती है। यदि नदियों द्वारा लाए गए लवण में कैल्शियम की मात्रा 60% होती तो सागरी जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत 70% हो जाता। नदियों के लवण में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत केवल 2% है। इसी आधार पर कहा जाता है कि नदियां सागरी लवण के प्रमुख स्रोत नहीं हैं। नदियों द्वारा लाए गए कैल्शियम की अधिकांश मात्रा का सागरीय जीव वनस्पतियों प्रयोग कर लेती है। वास्तव में नदियों द्वारा लाया गया लवण सागर में मिलने पर कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा ज्वालामुखी से निर्मित निस्सार्थ यानी ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ या राख से भी लवण की मात्रा सागरीय लवण के नियंत्रक कारक यानी कि उसको नियंत्रण करने वाले कौन कौन से कारक हैं। महासागरीय सागरों झीलों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कहा जाता है। इनमें जो प्रमुख है या निम्नलिखित है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध होता है। अर्थात जितना ही वाष्पीकरण तीव्र या अधिक होगा लवणता उतनी ही बढ़ती जाती है। वाष्पीकरण के साथ पवन में आर्द्रता की न्यूनता का होना अनिवार्य होता है। जहाँ पर तापक्रम ऊंचा रहता है और वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ पर लवणता अधिक होती है। जैसे कि कारक तथा मकर रेखाओं के पास भूमध्य रेखीय भागों में उच्च तापक्रम तथा अधिक वाष्पीकरण होते हुए भी अत्यधिक आर्द्रता के कारण लवणता उतनी नहीं पाई जाती जितने कि अयनवर्ती भागों में। वर्षा द्वारा जल की पूर्ति, स्वच्छ जल की अधिक मात्रा के कारण लवणता कम हो जाती है। जिन भागों में अत्यधिक जल वर्षा होती है वहां पर लवणता कम हो जाती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में उच्च तापक्रम के होते हुए भी घनघोर वृष्टि के कारण लवणता कम पाई जाती है, जबकि अयनवर्ती भागों में न्यून वर्षा के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय भागों में अत्यधिक हिम वर्षा के कारण निर्मित हिमानी सागरों में हिम पहुंचाते रहते हैं, जो कि शीतोष्ण प्रदेशों में पहुँचने पर पिघलकर सागर की लवणता को कम कर देती है। नदी के जल का आगमन, नदियां सागर में अपने साथ लवण लाती हैं, तथापि उनके साथ स्वच्छ जल की मात्रा अधिक होती है तथा उनके मुहाने के पास लवणता में कमी आ जाती है। उदाहरण के लिए गंगा, कांगो, नाइजर, अमेजन, सेंट लॉरेंस आदि नदियों के मुहाने भागों में कम लवणता पाई जाती है। बंद सागरों में यह प्रभाव अत्यधिक स्पष्टता के साथ देखने को मिलता है। जैसे कृष्ण सागर मीन्स काला सागर में डेन्यू, नीपर, निस्टर आदि नदियों के गिरने के कारण लवणता का मात्रा 18 ग्राम है। जहाँ पर वाष्पीकरण की मात्रा स्वच्छ जल की पूर्ति से अधिक होती है वहाँ पर लवणता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए रूम सागर में लवणता 40 ग्राम पाई जाती है। चौथा कारण है वायु दाब तथा वायु दिशा। प्रति चक्रवाती दशाएँ स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता में वृद्धि करती है। अनिवर्ती भागों में उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं, परिणाम स्वरूप उच्च लवणता पाई जाती है। हवाएं लवणता के पुनर्वितरण में भी सहायता करती है। ये हवाएं अपने साथ खारे पानी को